शुक्रवार सुबह नेपाल में एक यूपी नंबर की बस हादसे का शिकार हो गई। बस तनहुन जिले में मारस्यांग गदी नदी में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि ये बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की तरफ रवाना हुई थी। हादसे के समय बस में 40 भारतीय यात्री सवार थे। नेपाल पुलिस ने भी इस हादसे की पुष्टि की। घटना के बारे में जिला पुलिस ऑफिस तनहुन के DSP दीप कुमार राया ने बताते हुए कहा, UPFT 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और नदी के किनारे पड़ी है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार बस के नदी में गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक उपाय किए हैं और राहत कार्य को प्राथमिकता दी है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई बस गोरखपुर से नेपाल गई थी। ये बस केसरवानी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा शुक्रवार को सुबह करीब 11:30 पर हुआ। यह हादसा तब हुआ जब बस अंगू खैरेनी के आईना पहरा से मारस्यांग गदी नदी में गिर गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हादसे के शिकार लोगों को नदी से निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे को लेकर सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता कुमार न्यूपाने ने कहा है कि घटनास्थल से 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। प्रशासन और बचाव दल इस हादसे की सभी परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर ने कहा है कि हादसे के शिकार हुए भारतीय लोगों की खोज की जा रही है। महाराजगंज के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को नेपाल भेजा जा रहा है, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। फिलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के 45 जवान घटनास्थल पर मौजूद बताए जा रहे हैं। बता दें कि नेपाल में सड़क दुर्घटनाएं आम है और कई बार ऐसे खबरें सामने आ चुकी है जिनमें पहाड़ी और घाटी वाले रास्तों पर अनियंत्रित बसें नदी में गिर गई, जिसमें बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होता है। कई बार भारतीय नागरिक भी इन हादसों का शिकार हुए हैं। इससे पहले नेपाल में बीते महीने जुलाई में भी बड़ा हादसा सामने आया था। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई थी। इस हादसे में 7 भारतीयों की मौत हो गई थी, जबकि बस में सवार करीब 62 यात्री लापता हो गए थे, जिनमें से कुछ के बाद में शव मिले और कुछ को बचाया गया। बस में करीब 12 भारतीय नागरिक सवार थे। काठमांडू जा रही एंजस बस में 24 यात्री सवार थे, जबकि काठमांडू से गौड़ जा रही गणपति डिलक्स बस में करीब 41 लोग सवार थे। गणपति डिलक्स बस में सवार 3 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी।